11-12 बजे ये चांद ऊपर आएगा, तो इसकी रोशनी भी ये गांव में आती है और बहुत उजाला होता है। सो ये पानी मुंबई वाला पानी राजस्थान में और बिल्कुल भी लाइट नहीं है। आप जैसे देख रहे होगे चारों तरफ पूरा अंधेरा है, हम मून लाइट के हिसाब से चल रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे हम इस ढाणी में रह रहे हैं। अब यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, एसी फैन की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हम रूरल लाइफ आके यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं और यथार्थ को भी उसका एक्सपीरियंस दे रहे हैं। उधर बन रहा है चूल्हे पे खाना और इधर बन रहा है बर्नर पे खाना। कल तो हम ये धानी के अंदर सोए थे, ये देखो यथार्थ। हेलो यथार्थ। और इधर हमारा टेंट हो गया है रेडी। तो ये देखो ये गवार फल्ली का स्पेशल सब्जी बन रहा है, राजस्थानी टाइप का। ये एकदम फ्रेश जो गवार है ये आपके फार्म का ही है? हमारे फार्म का ही है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द फूडी मित्र चैनल। कैसे हो आप सब लोग? जैसे कि आपको पता होगा कि हम आए हैं जैसलमेर, और जैसलमेर में आके अगर हम कैंपिंग ना करें तो और क्या करें। कैंपिंग में ही तो फूडी मित्र चैनल बसते हैं। तो आज हम करने वाले हैं स्पेशल मराठी खाना, महाराष्ट्रियन क्यूजिन। जैसलमेर में आके, राजस्थान में आके हम उनका खाना भी तो खा ही रहे, लेकिन अपना खाना तो खाना बनता है ना कि नहीं। तो हम आए हैं जैसलमेर के मुन्नरड़ी गांव में, जो है जैसलमेर से 20 किलोमीटर्स और अंदर है। और ये टिपिकल जो पुरानी स्टाइल का गांव होता है ना, वही है। आपको पुरानी यादें ताज़ा होंगी। अब यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, एसी फैन की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हम रूरल लाइफ आके यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं और यथार्थ को भी उसका एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और बिल्कुल भी लाइट नहीं है। आप जैसे देख रहे होगे चारों तरफ पूरा अंधेरा है, हम मून लाइट के हिसाब से चल रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे हम इस ढाणी में रह रहे हैं। और ये ढाणी का एक्सपीरियंस अब तक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये एक्सपीरियंस हमें यथार्थ को स्पेशली देना था, इसलिए हम आ गए। तो खाना किधर? यहीं पे आज बना है। सो पहले, सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आप राजस्थान में आके क्या खिलाने वाले हो राजस्थानी लोगों को? सेव की सब्जी या झनझनी सेव का सब्जी। सो गाइज, हम लोग मराठी है तो हम सेव का सब्जी महाराष्ट्र में फेमस है एंड सभी लोग खाते हैं। महाराष्ट्र में नहीं, इवन बाकी के स्टेट्स में भी खाना खाते हैं। बट आई थिंक हमें लग रहा है कि ये महाराष्ट्र की फेमस क्यूजिन है। yes. जो बहुत चाव से खाते हैं, स्पेशली झनझनी, लाइक स्पाइसी। राइट। सो क्या हो रहा है मैं बताता हूँ गाइज। इधर हमारा चल रहा है सेव का सब्जी, मराठी और महाराष्ट्र स्पाइसी। और उधर ये देखो, उधर जो है ना, उधर भी राजस्थानी फूड बन रहा है, वो भी टेस्ट करेंगे। सो वही है कि अलग अलग जो है टेस्ट आज हम हमारे टेस्ट बर्ड्स एक्सचेंज करने वाले। राइट राइट। तो भाई आज क्या है? आज गवार फली। तो ये देखो ये गवार फली का स्पेशल सब्जी बन रहा है, राजस्थानी टाइप का। ये एकदम फ्रेश जो गवार है ये आपके फार्म का ही है? हमारे फार्म का ही है। ये देखो ये अभी बोया हुआ है। हाँ 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 हाँ, क्या बात कर रहे हो। ये देखो ये बोया हुआ एकदम फ्रेश फ्रेश गवार का सब्जी। और इधर हो रही है रोटी रेडी। तो रेडी होने के बाद बताइए। हाँ भैया जी जी। सो प्रीति, एक्चुअली मैं उधर गया था। हाँ। तो उनका भी सब्जी बन रहा है। ओहो। सो सब्जी क्या है, यहाँ पे गवार जो रहता है ना, छोटा गवार जो है फार्म में, उनके ही फार्म में बनता है। हाँ। तो बहुत एकदम ताज़ा ताज़ा गवार उन्होंने जो है वो तोड़ के लेके आए और उसका सब्जी बना रहे वो लोग। तो उनको मैंने बताया कि हम हमारा भी सब्जी बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, देखते हैं कैसा है। वेरी गुड। तो गवार की सब्जी, वो भी फार्म की, ताजा ताजा तोड़ी हुई है ना। राइट राइट। तो वो देखो यथार्थ पीछे एज यूजुअल ये खुले आसमान के नीचे खटिए पे बैठा है और टाइम पास कर रहा है। और ये है हमारा लाल टेंट, ये देखो पीछे मून, एंड ये हमारा टेंट है रेडी। और कल तो हम ये धानी के अंदर सोए थे, ये देखो यथार्थ। हेलो यथार्थ। और इधर हमारा टेंट हो गया है रेडी, इसमें हम लोग आज सोएंगे, उधर कल सोए थे। तो ये देखिए प्रिपरेशन चल रहा है प्रीति का। दिस इज कैन जो yes. हमने मुंबई से लेके आए हैं। हम कैंपिंग कर रहे हैं भाई, बिना हमारी चीजें हम कहीं नहीं जाते। ये कैन लेके आए, ये हमेशा हमारे साथ होता है। राइट।
सो ये पानी मुंबई वाला पानी राजस्थान में। ये देखिए गाइस चांद, एकदम चांद। और रात को यहाँ पे कहा जाता है कि एकदम यानी 11-12 बजे ये चांद ऊपर आएगा, तो इसकी रोशनी भी ये गांव में आती है और बहुत उजाला होता है, तो वो भी देखते हैं। सो रेडी हो रहा है, हमारा प्रिपरेशन चल रहा है। यथार्थ आपको जाना है टेंट में। तो उन्होंने अपनी सब्जी तो बनानी स्टार्ट कर दी है, हमारा उनका सबनी नहीं, उनकी सब्जी बन भी गई। बन भी गई तो हमारा कैसा सेटअप गाइस, बनाना पड़ता है, सब चीजें करना पड़ता है इसके लिए, वो थोड़ा हमें वक्त लगता है। खैर दिल भाई, इसका खैर दिल नाम है, क्या नाम है भाई आपका और आपका? अच्छा ये फारूक है, हनीफ भाई के लड़के। ये है खैर दिल, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो आज आपके हाथ का खाना खाना है हमें, और हम हमारे हाथ का भी खाना खाइए आप, ठीक है? चलो थैंक यू। उधर वो नाइफ से कट कर रहे हैं और इधर हम जरा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। सो हवा ज्यादा है तो हमें थोड़ा शील्ड यूज करना पड़ेगा प्रीति। यस। खेत पे, और वो भी टिपिकल राजस्थानी फूड। ये बात शुरू हो गया, परफेक्ट। तो ये यथार्थ जा रहा है उसके टेंट के अंदर हमेशा की तरह। अभी उसको क्या करता हूँ मैं, मोबाइल। हेलो बाय यथार्थ, हम नीचे ही है, ठीक है? टाइम पास करो, ठीक है? ओके। ये हो रहा है ऑयल मिक्स। ये है हमारी धानी। ये हमारे हो रहे अनियन मिक्स। ये हमारा पिटारा जिसमें हम सब खाने का सामान रखते हैं। देखिए ये ब्रेड, उसके बाद ये छोटा वाला जो है हमारा गैस, इसमें भी सब मसाले हैं। ये बिस्लेरी की बॉटल जो हमने कैरी की थी महाराष्ट्र से, एक बॉक्स लिया था, ख़त्म हो गया पूरा। ये है किट, ये मेरा पंचर वाला किट गाड़ी का, जब भी गाड़ी पंचर हो जाएगी सब मैं उसको तुरंत रिपेयर कर सकता हूँ। और उसके नीचे जो है वो राइस और आटा भी है, तो सब हम लोग लेके चलते हैं कैंपिंग के लिए फुल प्रिपरेशन के साथ। यस। एंड ये हो रहे टमाटर कट। उधर सेव है, वो हमने मुंबई से ही लिए, कैरी किया है, जिसको हम लोग करेंगे मिक्स ग्रेवी के बाद, मिक्स करेंगे ना ग्रेवी के साथ। यस। ओके। उधर बन रहा है चूल्हे पे खाना और इधर बन रहा है बर्नर पे खाना। और आपको मैं दिखाता हूँ गाइस, ये देखो पीछे वहाँ पे धानी है, उधर भी धानी है बट वो खाली है, और पीछे खेत है और वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आपको। एंड इधर हमारा चल रहा है कैंपिंग। सो अभी क्या मिक्स कर रहे हैं हम लोग? जिंजर गार्लिक पेस्ट। और खाना किधर खाएंगे हम लोग? यहाँ इस छोटे टेबल के पास बैठ के, है ना? यस। तो मुंबई से लेकर जैसलमेर जो वो भी 1200-1250 किलोमीटर गाइस। सो इसी बात पे आप कर दो सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर कर दो। महाराष्ट्र के हम लोग फर्स्ट कपल कार कैंपर हैं। यस। महाराष्ट्र में कार कैंपर फुल टाइम कोई नहीं दिखेगा आपको, यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, सबसे पहला वीडियो हमारा ही आएगा। तो इस बात पे भी सब्सक्राइब ठोक दो गाइस। और अभी ये यथार्थ भी आवाज नहीं रहा मुझे, क्या हुआ भाई? डैडी। हाँ। सो गाइस ये देखो, एक और एक चीज मैंने उठा के ले गया है, ये जो है ये हैंडमेड
चेयर बनाया है, देखिए बहुत पुरानी चेयर है। सो जरा खुले आसमान के नीचे, अरे वाह क्या फ्रेग्रेंस आ रहा है प्रीति। थैंक यू, मस्त। ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही खा लूँ मैं अभी। ऐसा लग रहा है कि ब्रेड है ना, तो ब्रेड के साथ ऐसे ही खा लूँ। तो ये जब तक कुक हो रहा है तो मैं आटा गूंद के ले लेते हो, फिर रोटी बनाने के लिए ना। ऑलराइट, ये हमारी कैंपर, सॉरी ये देखो गाइस हमारी कैंपर कार द फूडी मित्रों। ये धानी जहाँ पे अभी प्रीति बनाने जा रही है रोटी। तो यथार्थ को आई है याद उसकी रोटी की, घर की। वो बोल रहा है कि चपाती को रोल करके चाहिए नमक डाल के। हम लोग इतना ही छोटे छोटे खाते हमारे यहाँ पे रोटी बड़ी ज्यादा। तो ये देखो गाइस, ये मुंबई वाला सेव हमने लेके आया सेव का सब्जी बनाने के लिए। तो ये हम लोग ने प्लान ही करा था कि सेव की सब्जी तो बननी है, तो ये सेव भी साथ में ही लेके आ गए, सारा सामान साथ में ही कैरी करते। और ये जो है सेव है, ये तीखा सेव है। यार भूख लगी प्रीति, मुझे याद आ रही है अभी घर की। यस, थोड़े सेव। मस्त फ्रेग्रेंस आ रहा है प्रीति, एकदम सब्जी वाला से फ्रेग्रेंस आ रहा है। चाहे गवार वाला सब्जी। और ये क्या है भाई? ये राइस। राइस कौन सा राइस है? ये राइस बनाया हुआ राइस। अच्छा बनाया हुआ राइस है, ठीक है रख दो उधर। तड़के वाला। अच्छा फ्राई किया है क्या उसको? अच्छा जीरा राइस जैसा रहता है वैसा। हाँ ठीक है, रख दीजिए इधर। और इसमें हमारा सब्जी भी देते हैं हम लोग। सो ये भाई साहब को हम लोग हमारा खाना देते हैं, सेव का सब्जी। स्पाइसी है, स्पाइसी है। स्पाइसी खाते हो क्या? यस। अरे वाह स्पाइसी खाते हो। मैं अहमदाबाद होटल पे रहता था पहले। हाँ हाँ, अब यहाँ पे। अच्छा ठीक है। अच्छा आप होटल में ही थे पहले? ओके। कौन से गांव के हो आप? बाड़मेर का हूँ। हाँ मेरा गाँव है तोरीमन। हाँ ओके। सो ये स्पाइसी सब्जी अभी हम लोग भाई साहब को देते हैं। ये सर्व किया जा रहा है। सेव का सब्जी। तो ये देखो गाइस, तुम क्या खाओगे? चलो मैं भी आता हूँ, तुम्हें करता हूँ ज्वाइन। ये उन्होंने फ्राइड राइस बनाया है, ये देखो रखो उधर फ्राइड राइस। ओके मैं भी आऊँ ज्वाइन करूँ आपको? सो मैंने भी स्टार्ट कर लिया है गाइस। ये है सबसे पहले तो मैं, कितना भी खाना बना लो और कितनी भी हैबिट हो इतने साल से खाना बनाओ, लेकिन आकाश को जब तक मैं पूछ नहीं ना आकाश कैसे बनी, तब तक मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि वो खाना अच्छे से बनाए। जान जनित बहुत ज्यादा स्पाइसी बनी है, मजा आया। सेव का सब्जी खा के यस, सिर्फ लेमन की कमी थी ना। नाउ घुटना भूख लग रही है, मैं ट्राई कर रहा हूँ गवार का सब्जी, एकदम ताज़ा ताज़ा, आज ही तोड़ा हुआ है उसका सब्जी भाई साहब ने बनाया। और वो भी देखते कैसा है, वो भी चूल्हे पे बनाया हुआ सब्जी है। फिर ये भी सब्जी अच्छा बना। तो गाइस अभी ये एकदम टेंटिंग वाला खाना हम लोग ख़त्म करते हैं। आई नो कि आपको भी ये झंझनी शेव की सब्जी देख के थोड़े मुंह में पानी तो जरूर आया तो रहेगा ही गाइस। सो इसी बात पे ठोक दो लाइक, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो। अच्छे अच्छे नए नए वीडियो आ ही रहे कैंपिंग वाला। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डायरेक्टली, कल सुबह भी मिलना है ना? कल सुबह भी मिलते हैं, अभी हम लोग सोते हैं टेंट के अंदर, उसके बाद कल मिलते हैं डायरेक्टली मॉर्निंग को। एक ड्रोन का शॉट भी निकालते हैं मस्त, यहाँ पे यहाँ की मॉर्निंग भी हम लोग निकालते हैं। गुड नाइट गाइस, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। कप्तान कर दिया और मुझे रोज देते ले। बाय टाटा। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।